अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल वेल। मैं हूँ अलीना, मुझे कहते हैं शेख अलीना। और मेरे वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मेरे फुल डे की मसरूफियत में सबसे ज़्यादा जो एक मेन मसरूफियत थी वो थी मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी थी, जिसको मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैंने कोशिश तो फुल की, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये साल में एक दफ़ा दिन आता है और मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो हम जितना करें थोड़े हैं, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। और जितना हो सका हम सब ने मिल के किया, या हमने उनके लिए कुछ खाना बनाया था, अरेंज किए थे चीज़ें वगैरह, और इनको पढ़ाई में खाने से पहले ही हम लोगों ने हदिया पढ़ाई बख्श दी थी कि जितना अल्लाह पाक उनके मजलें आसान करें और हमें ताहयात उनके लिए पढ़ने के लिए तौफीक देते रहें और हम उन्हें हदियन पेश करते रहें, आमीन। एनीवे, ये सब करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट प्लानिंग थी वो आपको पता क्या थी? और वो बड़ी देर से पेंडिंग थी। एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को ट्रीट देनी थी और मैं फाइनली उसके बाद काबू आ गई इनके, और आप सोचें मेरा क्या हाल हुआ होगा। फटाफट मैं तैयार हुई और हम लोग अपने नेक्स्ट रेस्टोरेंट में जब पहुँचे, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा था और हम लोगों ने भी बहुत समझ के और सबकी चॉइस के मुताबिक हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। और जब ऑर्डर आए तो ऑर्डर बहुत मज़े का था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बारबेक्यू था, कस्तूरी बोटी थी, ये लेग पीस ऑर्डर था, ये चीज़ी नान थे और कलवंजी नान थे, और ये रेशमी कबाब था। ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा था लेकिन स्टेप बाई स्टेप वो हम लोगों को मिल रहा था। अभी रेशमी कबाब के बहुत टेस्टी थे और ये मतलब फुल ऑफ टेस्ट था, बहुत अच्छे थे, नान बहुत क्रिस्पी थे। एनी वे कस्तूरी बोटी तो वाओ, बहुत ही डिलीशियस थी और लेग पीस भी बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट और जूसी था। एनी वे उसके बाद इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा सेकेंड ऑर्डर भी आ गया, जिसमें हमने बिरयानी राइस किया था, वो भी फुल हॉट मज़े के थे, फुल स्पाइसी थे। और उसके बाद बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारे स्पेशल बोनलेस पराठा रोल थे, वो भी हमने ऑर्डर किए हुए थे। एनीवे सब कुछ खा पी के हम लोगों ने सोचा मीठा हम घर जाके इंजॉय करेंगे। हम सब घर आए कि हमने बंधु खान से बेकरी ली, कुछ गुलाब जामुन लिए, ये वो चीज़ें हैं जो ट्रीट में भी शामिल थे, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम इंजॉय नहीं किया। तो ये था कि टाइम थोड़ा था, फिर हम लोग घर आए और घर आके हमने एक प्रॉपर मीठे की टेबल लगाई और सब ने इंजॉय किया, जिसमें गुलाब जामुन थे, पेटीज था, रेड वेलवेट पेस्ट्री थी, और इसके अलावा कुछ निम्को थी, और इसके अलावा रसमलाई थी और पेस्टे का हलवा था। हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।